बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 बसंत का अध्याय 8 विष्णु प्रभाकर का नाटक एकांकी ऐसे ऐसे। इस एकांकी का मुख्य पात्र मोहन नामक एक 8-9 साल का लड़का है, जिसने अवकाश के समय में विद्यालय द्वारा किया गया गृह कार्य समय से पूरा नहीं किया और स्कूल में मास्टर जी की मार से बचने के लिए पेट में ऐसे ऐसे की बीमारी का बहाना करता है। उसके माता पिता उसकी इस बीमारी से बहुत परेशान होते हैं और उसकी माँ उसे हींग चूर्ण पेपरमेंट सब कुछ दे देती है, लेकिन फिर भी उसके पेट में ऐसे ऐसे ये दर्द ठीक नहीं होता। ऐसी हालत देखकर उसके पिताजी डॉक्टर को बुलाते हैं, डॉक्टर से फोन पर बात करते हैं, कुछ प्रश्नों के उत्तर पूछते हैं। उसके बाद उनका पड़ोसी दीनानाथ वहां आता है, जो उसकी ऐसी हालत देखकर चिंता होती है और वैद्य जी को बुला लेते हैं। वैद्य जी के आने तक मोहन के चंचल स्वभाव के विषय में बातचीत करते हैं। तभी वैद्य जी आते हैं और मोहन की जांच करते हैं और मोहन को वात का प्रकोप बताते हैं कि इसे वात मतलब पेट में इसके कोई गैस है जो इसे परेशान कर रही है। और मोहन की माँ से कहते हैं कि मैं दवा की पुड़िया भेज रहा हूँ, वो उसे आधे घंटे बाद गर्म पानी के साथ दे देना। 2-3 दस्त होंगे और वो पूरी तरह ठीक हो जाएगा। मोहन के पिता वैद्य जी को पाँच रुपये देते हैं और दीनानाथ जी वैद्य जी के साथ पुड़िया लाने चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर डॉक्टर आते हैं। डॉक्टर मोहन का चेहरा देखकर उसे लगता है कि तकलीफ तो इसको बहुत ज़्यादा है। फिर वह मोहन की जांच पड़ताल करता है, वह भी उसे कब्ज और बदहजमी की समस्या बताकर दवा की एक पुड़िया खाने को दे देता है और कहता है इसकी तकलीफ इससे दूर हो जाएगी। पिता डॉक्टर को रुपए देते हैं और उसके बाद दवा की पुड़िया लेने के लिए चले जाते हैं। इसके आगे आज हम पढ़ेंगे। डॉक्टर: जी नहीं, वह नहीं, बिल्कुल नहीं। मोहन से: जरा मुंह फिर खोलना, जीभ निकालो। मोहन जीभ निकालता है, हाँ कब्ज ही लगता है, कुछ बदहजमी भी है। कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ। क्यों ना आप ही चले, मेरा विचार है कि एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा रुक जाती है और गन फंदा डाल लेती है, बस उसी की ऐठन है। डॉक्टर जाते हैं, मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को देते हैं। माँ: सेब तो दूँ डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब दूँ से: हाँ गर्म पानी की बोतल से सेक दीजिए। डॉक्टर जाते हैं, माँ बोतल उठाती है, पड़ोसी आती है। मोहन: क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन? माँ: आओ जी रामू की काकी, कैसा क्या होता है, लोचा लोचा फिरे है, जाने वह ऐसे ऐसे दर्द है, क्या है लड़के का बुरा हाल कर दिया। पड़ोसी: ना जी इतनी नई नई बीमारियां निकली है, देख लेना ये भी कोई नया दर्द होगा। राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया, नए नए बुखार निकल आए हैं। वह बात है कि खाना पीना तो रहा नहीं। माँ: डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है, आज तो रोटी भी उनके साथ खाकर गया था, वहाँ भी कुछ नहीं खाया। आजकल तो बिना खाए बीमार होती है। बाहर से आवाज आती है, मोहन मोहन। फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है। माँ: ओ मोहन के मास्टर जी है, पुकार कर आ जाइए। मास्टर: सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, क्यों भाई? पास आकर: हाँ चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है दादा, कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। क्यों माता जी, आपने क्या खिला दिया इसे? माँ: खाया तो बेचारे ने कुछ भी नहीं। मास्टर:
तब शायद न खाने का दर्द है, समझ गया मैं। उसी में ऐसा ऐसा होता है माँ। पर मास्टर जी भेजियो डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे। इस तरह से हमने देखा कि मोहन को वेद और डॉक्टर दोनों देख के चले जाते हैं, वो तो दवाई देते हैं। पड़ोसन की कुछ औरतें आती हैं, उससे बातचीत करती हैं। फिर मोहन के मास्टर जी आ जाते हैं और वो उनसे बातचीत करते हैं। इसके आगे का हम अगली ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।